सब्सक्राइब करें तंदुरुस्त जीवन चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान म्यूकस प्लग क्या होता है, ये कैसे दिखता है, प्रेगनेंसी की किस स्टेज में ये बाहर निकलता है और क्या ये प्रसव का संकेत है, कब ये नॉर्मल है और कब आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी तभी मिलेगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगी, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि म्यूकस प्लग क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि म्यूकस प्लग यानी कि म्यूकस से बना एक प्लग, यानी कि जिसे ब्लॉकर या फिर अवरोधक भी कह सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की नली को ब्लॉक करने के लिए म्यूकस प्लग गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में बनता है और विकसित होता है। दोस्तों, यह एक तरह का सुरक्षा कवच है और यह गर्भाशय को बाहरी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से बचाता है। और मैं आपको यहाँ यह बता दूं कि सर्विक्स में मौजूद म्यूकस प्लग में बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले गुण भी होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह जीवाणुओं और इन्फेक्शन से आपके गर्भाशय की रक्षा करता है। यह गर्भ और बाहरी दुनिया के बीच एक लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा पंक्ति के रूप में काम करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि म्यूकस प्लग कैसे बनता है और कैसा दिखता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज में सर्विक्स से होने वाले डिस्चार्ज तथा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से म्यूकस प्लग बनना शुरू हो जाता है और ये प्रेगनेंसी के आखिर तक बनता रहता है। दोस्तों, आम तौर पर म्यूकस प्लग सफ़ेद रंग का होता है और जिसमें गुलाबी धारियां होती हैं। कभी कभी इसका रंग पारदर्शी सफ़ेद, हरा, हल्का गुलाबी या हल्का भूरा हो सकता है और जैसे कि हमारी नाक से बलगम निकलता है, देखने में ये उसी प्रकार का चिपचिपा और चिकना होता है। सर्विक्स में रहते हुए ये गाढ़ा होता है लेकिन बाहर निकलने पर ये पतला होता जाता है और कई बार इसमें खून के धब्बे भी हो सकते हैं और बाहर निकलने के दौरान इसकी मात्रा लगभग एक औंस के करीब होती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि प्रेगनेंसी के आखिर में जब शिशु गर्भाशय को छोड़कर शिरोणि यानी कि पेल्विस में नीचे आ जाता है तब सर्विक्स के खुलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और जब सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा प्रसव के लिए तैयार होने के लिए नरम होना शुरू हो जाती है यानी कि खुलने लगती है तो जो म्यूकस प्लग होता है वह अपनी जगह पर नहीं टिक पाता और बाहर निकलने लग जाता है। दोस्तों, सर्विक्स में होने वाले इन्हीं बदलावों के कारण कोशिकाएं फट सकती हैं और इसी कारण म्यूकस प्लग का रंग बाहर निकलते समय गुलाबी हो जाता है और बाहर निकलते समय यह पूरा एक ही बार में या फिर कई बार थोड़ी थोड़ी देर में कुछ मात्रा में बाहर आ सकता है। दोस्तों, अगर किसी महिला की ये पहली प्रेगनेंसी है तो म्यूकस प्लग का कुछ हिस्सा थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आता है, जबकि यदि किसी महिला की ये दूसरी प्रेगनेंसी है यानी कि वह दूसरी या तीसरी बार मां बन रही है तो उसकी सर्विक्स अधिक लचीली होती है जिससे कि म्यूकस प्लग के बिना खून के या फिर मामूली रूप से ब्लड के साथ एक बार में ही पूरा बाहर आने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को पता ही नहीं लगता कि म्यूकस प्लग बाहर निकल गया है क्योंकि आम तौर पर म्यूकस प्लग टॉयलेट यूज़ करने के दौरान या फिर नहाने के दौरान कई बार बाहर निकल जाता है और वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है और ऐसे में वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ ही म्यूकस प्लग के बाहर निकलने के कारण भी कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को पता नहीं चल पाता। दोस्तों, अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान म्यूकस प्लग कब बाहर निकलता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के आखिर में जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हार्मोन म्यूकस प्लग को पतला करने में मदद करता है ताकि इसे आसानी से निकाला जा सके।
दोस्तों आम तौर पर प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते के बाद म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में 37वें से लेकर 40वें या फिर 42वें हफ्ते तक म्यूकस प्लग बाहर निकलता है। दोस्तों यह प्रसव से पहले तक सर्विक्स में अपनी जगह पर टिका रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या म्यूकस प्लग का बाहर आना प्रसव का संकेत होता है। दोस्तों आम तौर पर म्यूकस प्लग के बाहर आने का मतलब होता है कि गर्भवती महिला का शरीर प्रसव के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि म्यूकस का बाहर आना एक शुरुआती संकेत ज़रूर है कि प्रसव जल्दी ही होने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्रसव अभी होगा, क्योंकि ये प्रत्येक महिला की स्थिति पर अलग अलग ढंग से निर्भर करता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि म्यूकस प्लग के बाहर आने के कितनी देर बाद प्रसव शुरू हो सकता है। दोस्तों अगर किसी महिला की ये पहली प्रेगनेंसी है तो म्यूकस प्लग के बाहर निकलने के कुछ दिन या फिर हफ्ते बाद प्रसव शुरू हो सकता है, और अगर कोई महिला दूसरी बार मां बन रही होती है तो ऐसे में इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि म्यूकस प्लग निकलने के कुछ घंटों बाद ही प्रसव शुरू हो जाए, यानी कि पहली प्रेगनेंसी के मुकाबले दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं के म्यूकस प्लग निकलने के कुछ ही समय बाद प्रसव शुरू हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि असल में इसका कोई समय निश्चित नहीं है कि इसके बाहर निकलने के कितने समय बाद प्रसव शुरू होगा। दोस्तों अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी के 37वें से 40वें हफ्ते के बाद म्यूकस प्लग बाहर आता है तो इसका मतलब है कि प्रसव जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में वह अपनी डॉक्टर से संपर्क कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के आखिरी समय में म्यूकस प्लग के निकलने के साथ गर्भवती महिला को ज़्यादा तेज़ और लगातार बढ़ने वाले दर्द भरे संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, या फिर उसकी पानी की थैली भी फट सकती है, तो ऐसे में उसे तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे कि यदि म्यूकस प्लग जल्दी निकल आता है तो क्या ये नॉर्मल है या नहीं। दोस्तों अगर म्यूकस प्लग प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से पहले ही निकल गया है तो कुछ हद तक यह खुद को दोबारा बना सकता है। कहने का मतलब है कि अगर साथ में जब तक दर्द भरे संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होते और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती तो ऐसे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से पहले ही म्यूकस प्लग बाहर निकल गया है तो ऐसे में अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, ताकि ऐसे में डॉक्टर स्थिति पर नज़र रख सके, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा होना समय से पहले प्रसव यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही म्यूकस प्लग बाहर निकल जाता है तो ऐसे में भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके दोबारा बनने की काफ़ी संभावना होती है, और ज़्यादातर मामलों में गर्भवती महिला का शरीर दोबारा म्यूकस प्लग का निर्माण शुरू कर देता है, और अगर ये दोबारा नहीं भी बनता तो भी जो एमनियोटिक सैक यानी कि पानी की थैली होती है वह भी बाहरी बैक्टीरिया और संक्रमण से बचाव करती है। कहने का मतलब है कि जो एमनियोटिक सैक होती है वह भी बाहरी दुनिया और आपके बच्चे के बीच एक डिफेंस के रूप में काम करती है, यानी कि उसे जीवाणुओं और इन्फेक्शन से बचाती है। लेकिन जो म्यूकस प्लग होता है वह मुख्य रूप से सुरक्षा की भूमिका निभाता है, यानी कि बाहरी जीवाणुओं और संक्रमण से गर्भाशय की रक्षा करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ब्लीडिंग और म्यूकस प्लग के बीच क्या फर्क होता है। दोस्तों आपको यहाँ यह भी बता दूं कि ब्लीडिंग और म्यूकस प्लग के बीच काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि जो म्यूकस प्लग होता है वह थोड़ा गुलाबी हो सकता है या फिर इसमें खून के कुछ अंश हो सकते हैं। म्यूकस प्लग म्यूकस से बना एक गाढ़ा चिपचिपा प्लग होता है, और ये ब्लीडिंग यानी कि रक्त स्राव से काफ़ी अलग दिखता है। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला का म्यूकस प्लग अधिक मात्रा में यानी कि एक चम्मच या उससे अधिक मात्रा में बाहर निकल गया हो और उसका रंग गहरा लाल हो तो ऐसे में अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि कई बार ये प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का संकेत भी हो सकता है।
दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के 37 हफ्ते के बाद से म्यूकस प्लग के बाहर आते समय इसका रंग नॉर्मल है, यानी कि सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ में हल्की गुलाबी धारियां हो, तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये प्रसव शुरू होने का संकेत है और जैसे ही गर्भवती महिला को दर्द भरे संकुचन शुरू हो या फिर पानी की थैली फट जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच जाना है। तो दोस्तों, यह थी म्यूकस प्लग के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।